नूह जिले में इस समय सरसों और गेहूं की फसल की बुझाई का समय है। यहाँ पर खाद विक्रेताओं की दुकानों पर किसानों की लाइन लगी हुई है। कई बार शिकायतें आती हैं कि नहीं खाद मिल रहा है या खाद नहीं मिल रहा है किसानों को लेकर। हमारे पास यहाँ क्वालिटी कंट्रोल इस पर। क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर हैं अजय कुमार जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, किसानों की जो बुआई की जो समय चल रहा है गेहूं की और सरसों की फसल को लेकर, तो इस समय क्या क्या दिक्कतें किसानों को आ रही हैं और क्या उनकी समस्याओं का समाधान करें सर? मैं ये आपको बताना चाहूँगा, हमारे नूह डिस्ट्रिक्ट में एक खाद की समस्या थोड़ी इसलिए आती है क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई नूह डिस्ट्रिक्ट में कोई रैक पॉइंट नहीं है। हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है ये डिपेंड है रिवाड़ी खोरी के ऊपर और पलवल के ऊपर, तो वहाँ जब रैक लगते हैं तभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में खाद आता है। और अगर हमारे यहाँ पे कोई रैक पॉइंट हो तो हमें भी कोई खाद की कोई दिक्कत ना पड़े। जैसे पलवल में रैक पॉइंट है या रिवाड़ी में, वहाँ की कोई इस तरह की शिकायत नहीं आती। अब हमने वैसे डीसी साहब के, जो अपना खड़गड़ा सर हैं, अभी हमारे डीसी साहब हैं माननीय, से हमने अभी रिपोर्ट एक बनवा के प्रपोजल भिजवाया सरकार को, तो सरकार अगर मान्यता दे दे तो हमारा बहुत अच्छा भला हो जाएगा हमारे किसानों का। क्योंकि अब हमारे पास, पहले तो ये था कि हमारे यहाँ कोई लाइन नहीं थी, अब तो हमारे यहाँ पर रेलवे लाइन भी होगी। हमारे हमने जी तावड़ू जी के लिए एप्लीकेशन की है, साहब से आग्रह किया था हमने उपायुक्त साहब से, तो उन्होंने हमारी उसको मान लिया आग्रह को। तो सर, देखो, मेवात में कितनी जगह पर ऐसे खाद की शिकायत आती है, या तो नकली खाद है या फिर खाद नहीं मिल रहा, क्या कहेंगे सर? हमें कई बार ऐसे फोन करके कोई किसी कभी कभी कोई किसान हमें बताता है कि सर यहाँ पे एक नकली खाद ऐसे कोई पिकअप में भर के या ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के बेच रहा है जी सर गाँव में। तो लेकिन जब तक हम पहुँचते हैं वहाँ पे, जब तक वो बेच के जा चुका होता है, हमने किसानों से आग्रह किया और उनको बताया भी है कि जैसे ही आपको कोई इस तरह का कोई केस नजर आए हमें तुरंत फोन करो। और मैंने अपने फोन नंबर सभी डीलरों के वहाँ पे लिखवाए हुए हैं। तो आपको अगर मेरा नंबर ना हो तो किसी भी डीलर के वहाँ पे जाके काउंटर पे, और मेरा नंबर नोट करके अजय कुमार क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर के नाम से लिखा हुआ है, मुझे तुरंत फोन करें, या हमारे डीडीओ साहब करो या अपने एसडीओ को करें, कोई भी इंस्पेक्टर हो तुरंत वहीं पहुंचेगा। लेकिन किसान है, बस जब वो निकल जाता है बेच के, वो जो एक आता है फ्रॉड आदमी भ्रष्टाचारी, वो बेच के चला जा और फिर उसके बाद हमें फोन करते तो हैं। सर, यहाँ जो खाद्य विक्रेता हैं उनके कितने लोगों के खिलाफ, कितने सेंटरों पे आपने छापेमारी की है, क्या कोई कार्रवाई की है सर अभी तक? हाँ, मैंने कई उनके पास जाके, डीलरों के पास जाके मैंने चेकिंग किया है कि भाई, जैसे मैं अपने आप में रूटीन में मैंने चेक किया, कभी कोई डीलर ही तो नहीं नकली बेच रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। मैंने नगीना में सारे गोदाम चेक किए, पिनंगवा में करे, पुन्हाना में गया मैं, तो ऐसा मुझे कुछ नहीं मिला। कल मैंने यहाँ पे नूह में भी किया है, मंडी में दौरा किया मैंने, लेकिन ऐसा किसी डीलर के पास ऐसा कोई नकली खाद नहीं मिला है, और ना ही कोई मंडी में कोई लाइन थी। कल मैं पूरे मंडी में, चार पांच हमारे यहाँ डीलर हैं, सभी के पास मैं गया था, और मैं सरकारी बीज बिक्री केंद्र पे भी गया था, वहाँ भी कोई लाइन नहीं लगी हुई थी। एक प्राइवेट डीलर है इधर, उसके पास भी गया था मैं, मेवली रोड पे है, उस पर भी कोई लाइन नहीं सर थी। क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर हैं, तो उस हिस्से से किसानों को क्या नसीहत देंगे सर? मैं किसानों को ये संदेश देना चाहता हूँ, अगर आपको कहीं भी कोई इस तरह का संदेहास्पद कोई इंसान अगर नजर आता है कि भाई वो किसानों के साथ में धोखाधड़ी करके कोई नकली बीज बेच रहा है या ओवर रेटिंग कर रहा है, तो जैसे ब्लैक मार्केटिंग कोई करने की कोशिश कर लेता है सीजन में, तो हमें तुरंत फोन करें, हम उसका जाके अपने अधिकारी जो हमारे से ऊपर अधिकारी हैं उनको लिखेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ हम तुरंत ही। हमारे साथ थे कंट्रोल क्वालिटी इंस्पेक्टर अजय कुमार जी। इन्होंने बताया कि किसानों को किस तरह से, अगर उन्हें समस्या आती है तो उनसे संपर्क करें और अच्छा खाद लें और अच्छी बुझाई करें जिससे उनकी अच्छी फसल हो सके। नूह से आस मोहम्मद खबर।